really amazing. और ये जो ऊंचाई है इसको देखकर डर भी लग रहा है। और हम लोगों ने गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से बातचीत करी। लेकिन खैर डरने की कोई बात थी नहीं जब एक बार। और बहुत 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 ही अमेजिंग था। मस्ट विजिट प्लेस है ये, मस्ट ट्राई स्पॉट है। सो बाय बाय, थैंक यू क्वाला, नाइस टू मीट यू क्वाला। हेलो गाइस, दिस इज नैन्सी जायसवाल एनजे बैकपैकर्स और मैं हूँ इस वक्त सर्बिया में। ज्लाती बोर है एक गांव यहाँ का। यहाँ पर कल रात में मैं आई थी, काफी लेट हो गया था इसलिए अपार्टमेंट नहीं दिखा पाई थी। तो ये है अपार्टमेंट का एंट्रेंस, सोफा, किचन मैंने कल रिकॉर्ड किया था क्योंकि खाना बना रही थी। और ये है किचन और आज मैं पहले दिन खुद से कुछ बनाऊंगी। ये पास्ता लिया था बस स्टेशन पे। काफ़ी अच्छा रहता है इन सब टाइप के अपार्टमेंट्स में, सारी सुविधाएं रहती हैं किचन की आपके पास। और मेरी होस्ट भी काफ़ी अच्छी थी, मुझे जो भी चीज़ की ज़रूरत थी पास्ता बनाने के लिए जैसे कि ऑयल या फिर प्याज जो भी चीज़ चाहिए थी वो उन्होंने दे दिया था। तो पहले दिन मैंने खुद से कुक किया कुछ, वहाँ पर सही था, बाहर कहाँ जाती उस वक्त डिनर में कुछ भी ढूँढने। थोड़ी शक्ल ठीक ठाक लग रही है तो खाने का मन होगा एटलीस्ट। एंड फाइनली द फूड इज रेडी। इधर वॉशरूम, ये किचन। और यहाँ पर काफी ठंड रहती है तो इसलिए रूम हीटर, ये हीटर लगा हुआ है यहाँ से यहाँ बेडरूम तक की। इस साइड बेडरूम है और फिर ये बालकनी का मस्त व्यू। अपार्टमेंट्स ही मिलेंगे, हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे। और कुछ इस तरह के घर बने होते हैं, सभी घर इसी तरह के ही बने हुए हैं। तो फिलहाल टाइम हो चुका है चेकआउट का, चलती हूँ तो निकल रही हूँ अब मैं। और ये है मेरी होस्ट, नेम मारियाना है मेरी होस्ट। और हम लोगों ने गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से बातचीत करी। तो कुछ कुछ मुझे समझ में आने लगी सर्बियन लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी, जैसे उन्होंने अभी बोला कि ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने करी थी टैक्सी ज़लाती बोर डे टूर के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था कि 1500 दिनार लगते हैं डे टूर ज़लाती बोर के लिए, वो टूर मैं किसी वजह से नहीं कर पाई थी। तो आप अगर जाते हैं यहाँ पर
तो एक दिन पहले ही उस टूर को बुक कर लें, अदरवाइज वो मिस हो जाएगा। डे टूर के लिए निकली हुई हूँ और फिलहाल पहुंची हूँ जिप लाइन। काफी हवा चल रही है, ठंड है काफी, और ये जो ऊंचाई है इसको देखकर डर भी लग रहा है। बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जा सकती हूँ वरना या तो मैं या तो मोबाइल गिर जाएगा, बट ये है गहरा है। काफी डर लग रहा है लेकिन ठीक है, देखती हूँ करके डर के आगे जीत है। तैयारी हो रही है, और मुझे डर लग रहा था तो मैंने इनके साथ ही किया ज़िपलाइन, लेकिन खैर डरने की कोई बात थी नहीं। जब एक बार वहाँ से चल ली तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा और बहुत ही सेफ है ये। पहले मुझे लग रहा था खड़े होके जाना है एक पार से दूसरे पार, बट बैठ के जाना था तो थोड़ा कम डर लग रहा था, मतलब डर बिल्कुल भी नहीं लगा। इस कार से उस कार वापस अपनी कार की ओर इनके कार से जा रही हूँ। तो ज़िप लाइन करके वापस आ चुकी हूँ और बहुत 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 ही अमेजिंग था। मस्ट विजिट प्लेस है ये, मस्ट ट्राई स्पोर्ट है और बहुत अच्छा लगा। बस जब तक उसमें बैठी नहीं थी तब तक डर लग रहा था और बिल्कुल जरा सा भी डर नहीं लगा, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा।